ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो हिप ज्वाइंट में पेन होता है और स्टिफनेस होती है, चलने में लिम्पिंग होने लगती है और कई सारे एक्टिविटीज में पेन होने लगती है, उसमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरसाइजेज है, वार्म अप एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए और लास्ट में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो कैसे होनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों, एक्सरसाइज का सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिप ज्वाइंट में पेन और स्टिफनेस होता क्यों है। तो यदि पेन और स्टिफनेस की बात करूं तो इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो उम्र के साथ होने वाले बदलाव जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में कॉमनली देखा गया है हिप ज्वाइंट का इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा जुगलाइन अर्थराइटिस हो गई, बच्चों में भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। इसके अलावा रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और केसेस है जिसमें देखते हैं, जिसको हम एवियन बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। इन सब कंडीशन में ज्वाइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस बहुत ही कॉमनली है। और दोस्तों, यदि मैं बताऊँ अर्लियर फेजेस में एक्सरसाइज का बहुत ही ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो दोस्तों, एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। यदि एज ए एग्जाम्पल मैं बात करूं तो जैसे आप देखेंगे कि जो दरवाजा होता है उसका जो हिंज होता है ना, जो आपके कब्जे होते हैं, यदि वो मजबूत और अलाइन है तो आपका दरवाजा पूरे अच्छे तरह से बंद होता है और मजबूती से और बिल्कुल प्रॉपर रहता है। लेकिन यदि कब्जे लूज हो जाए तो दरवाजे का अलाइनमेंट भी खराब हो जाता है और उसमें आवाज भी आने लगती है और कई सारी कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। यदि मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो यदि प्रॉपर स्ट्रेचिंग की जाए तो हमारे ज्वाइंट का जो है वो अलाइनमेंट अच्छा रहता है। यदि हम मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करें दोस्तों तो हमारी ज्वाइंट की मोबिलिटी अच्छी रहती है, और यदि हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ज्वाइंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, जिससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसे सिम्टम हो तो एक्सरसाइज न करें और क्या क्या एक्सरसाइज करने में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस से। दोस्तों, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज करते समय हमेशा ध्यान रखें कि ज्वाइंट की मोबिलिटी के लिए काम करना है और पेन वाले एरिया में नहीं जाना है, उतना ही करना है जितना कि आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है मार्चिंग एक्सरसाइज। आराम से बेड पे बैठ जाएं और नी को अपने चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करें। सपोज दैट एक पैर से 10 बार करना है, फिर दूसरे पैर से 10 बार करना है। इसमें रोकने की जरूरत नहीं है। किसी की यदि कम जा रहा है तो कम से शुरू करें और ग्रेजुअली वीक बाई वीक इसको बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ लेके आए। ये पहली एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप आराम से लेट जाएंगे और लेट के घुटने को मोड़ेंगे पूरा और फिर सीधा करेंगे। बिकॉज जो हमारी हिप की बोन है फीमर, ये नी से भी जुड़ी हुई है और हिप से भी जुड़ी हुई है, तो ये लास्ट तक लाके नी को धीरे धीरे पूरा सटाएं इसको, तो ये हिप अपने आप 90 डिग्री तक मुड़ेगा। तो ये हमारी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज सेकेंड हुई, 10 टाइम इससे, फिर 10 टाइम दूसरे वाले पैर से करना है। थर्ड एक्सरसाइज की यदि मैं बात करूं तो पैल्विक रोटेशन एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को बराबर दूरी बना के रखें, अपने फुट को बाहर की तरफ रोटेट करें और रोटेट करने के बाद इस वाले पैर से इसके मैलुलस को टच करें, फिर इसके मैलुलस को टच करें। यदि आप कम कर पा रहे हैं तो कम कम करें, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से आप कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें दोनों पैरों के तलवों को आपस में सटा लें। किसी को ज्यादा पेन है तो हो सकता है कि वो इतना ही कर पाए, और जिनको पेन नहीं है वो मैक्सिमम लेके आए और आराम से मोबिलाइज करें। इसमें कोई झटका नहीं देना है मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज में, बिल्कुल स्लोली करना है, जर्की मूवमेंट अवॉइड करना है, उतना करिए जितना कि आप कर पा रहे हैं, इसमें रोकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद खड़ा हो जाना है। खड़ा होके किसी चीज का सपोर्ट लेके और सपोर्ट लेने के बाद अपने हिप को आगे ले जाना है और पीछे ले जाना है, बट स्लोली करना है, कोई भी झटका वाला मूवमेंट नहीं देना है। बिकॉज हमारा जो हिप ज्वाइंट है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, स्लोली पूरा आगे लेके जाएं और पूरा पीछे ले जाएं। जितना यदि स्टिफनेस है तो कम से शुरू कर सकते हैं, कम में करिए लेकिन झटका नहीं देना है, जर्क को अवॉइड करो। दोस्तों, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है दोनों पैर मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद दोनों पैरों के बीच में जितनी आपकी पेल्विक की दूरी है इतना दूर रखेंगे और कमर को स्लोली ऊपर की तरफ उठाएंगे और 5 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे।
और डाउन। यदि बहुत पेन हो रहा है तो आप कम से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, और इसको ग्रेजुअली 5 बार, 7 बार और 10 बार के रिपीटेशन पे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों दोनों पैर को मोड़ लेते हैं और दोनों पैरों के बीच में दूरी उतनी ही रखते हैं जितनी कि पेल्विक के बीच की दूरी है। इसके बीच में एक आप छोटा सा बॉल ले लीजिए जिसको दबाने पे रेजिस्टेंस मिले कि ये दब रहा है। इसको अपने दोनों पैरों के बीच में रखें और रख के इसको अंदर के तरफ दबाएं। 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करें और फिर छोड़ दें, फिर दबाइए। इसको 10 बार से आप शुरू कर सकते हैं। यदि बहुत पेनफुल किसी भी एक्सरसाइज में हो तो उसे ना करें। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, आराम से सीधा आप लेट जाएंगे और लेट के पैर को बाहर के तरफ ले आएंगे। यदि आपका पैर कम जाता है तो आप कम ही लेके आइए, और ज्यादा ले जा सकते हैं तो ले जाइए, बट इसको ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे नहीं करना। ये बेड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बाहर के तरफ जाएगा और आएगा। इसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में है। इसमें होल्ड नहीं करना, बट ये ध्यान रखना है कि एक बार ये बेड से उठाया तो 1, 2, 3, 4 और 5 कम से कम 5 बार करने के बाद ही रखें, फिर दूसरे पैर से इसी तरह इसको रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग साइड लेग पोजीशन में लेट जाएंगे। साइड लेग पोजीशन में लेट के दोनों घुटने को हल्का सा मोड़ लेंगे, यानी कि ये बराबर हो गया और बराबर होने के बाद ये घुटना मुड़ गया। और आप इसको ध्यान रखेंगे दोनों पैरों के बीच में दूरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे इसको 10 रिपीटेशन करना है। फिर दूसरे तरफ करवट लेके दूसरे पैर से भी 10 रिपीटेशन करना है। और दोस्तों इस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दोनों पैर से करना है, क्योंकि जब एक पैर में प्रॉब्लम होती है तो दूसरे पैर पे लोड ज़्यादा आने लगता है। तो यदि उसको भी हम अच्छा रखते हैं तो वो कम से कम जब तक ये ठीक नहीं हो रहा है तब तक इसका वेट वो बियर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट में पैरों को सीधा कर लेना है, दोनों यस पैरों को सीधा कर लेना है। सीधा करके अपने हाथ को यहाँ रखना है और इस पैर को आगे ले जाना है और पीछे ले जाना है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यदि आपको पेन हो रहा है तो आप इतना ही करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली बार आप इतना करें, बट ग्रेजुअली अप्रोच रखें कि जितना आपका मोबिलिटी अच्छी हो उतना लेके जाए। और एक बार यहाँ से शुरू किए तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लाके रखें। पहले 5 बार से स्टार्ट करें, फिर इसको 7 बार कर सकते हैं, फिर 10 बार कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई इन सब एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेसिव आप कर सकते हैं, कि पहले नॉर्मल किया, फिर 1 kg वेट बांध दिया, इसमें बांध दिया, फिर इसी तरह जैसे मैं बोला कि इसमें भी आप 1 kg वेट बांध सकते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज हम लोगों ने किया इसमें लूप लगा के इसको ले सकते हैं, लेकिन ये ग्रेजुअली करना है, बेसिक में रेजिस्टेंस नहीं देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों आपको पेट के बल लेट जाना है, आराम से लेट के दोनों हाथ को बराबर करना है, बराबर करके एक पैर को ऊपर उठाना है जितना भी आप उठा सकते हैं। पहले इतना उठा सकते हैं, इतने से शुरू करें, फिर 5 सेकेंड होल्ड करिए, डाउन करिए, फिर दूसरे पैर को करना है। इसमें आपको अल्टरनेट करना है, लगातार नहीं करना है, डाउन फिर इसको, तो 10 रिपीटेशन आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रेजुअली धीरे धीरे हम क्या करते हैं इसमें वेट इंक्रीज करते हैं, और वेट इंक्रीज करते हुए इसको हम PRE बोलते हैं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, की रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं, बट बेसिक में ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज ज़्यादातर हिप ज्वाइंट पेन के साथ में स्टिफनेस जरूर रहता है। तो जब ये स्टिफ है ज्वाइंट और आप स्ट्रेच करेंगे तो पेन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि कितना स्ट्रेच करना है। पहली चीज़ कि जब स्ट्रेचिंग करें तो प्लेजेंट स्ट्रेच फील होना चाहिए, खिंचाव फील होना चाहिए, पेन नहीं फील होना चाहिए। यदि पेन हो रहा है दैट मीन्स कि आप पेन के एरिया में जा रहे हैं और वो आपको नुकसान करेगा। लेकिन यदि स्ट्रेचिंग बेसिक प्लेजेंट खिंचाव आप देते रहेंगे और 2-4, 10 दिन, 15 दिन करेंगे तो वीक बाई वीक अपने आप इम्प्रूवमेंट बेहतर होता चला जाएगा और आपकी मोबिलिटी इम्प्रूव कर जाएगी। तो दोस्तों स्ट्रेचिंग का जो रूल है कि कम से कम 15 सेकेंड से 20 सेकेंड की होल्डिंग रखनी है और 3 से 4 बार रिपीट करना है हर एक्सरसाइज को।
बाकी एक्सरसाइजेस में स्ट्रेंथनिंग में आप 10 के सेट तक जा सकते हैं और 10 का एक सेट होता है, आप 2 सेट और 3 सेट तक जा सकते हैं। मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस में 10 से 20 बार आप कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग 3 बार से 4 बार सफिशिएंट होती है, बट पेनफुल एरिया में नहीं जाना है। तो दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेचिंग है, आराम से आप लेट जाएंगे और लेटने के बाद नी टू चेस्ट ले जाना है, आराम से पैर को पकड़ के चेस्ट की तरफ ले जाना है। लेकिन जितना मैं किया ये इजीली नहीं होता है, बहुत लोगों में यहाँ तक आता है, तो आप यहीं पे होल्ड करें। यदि इससे कम आ रहा है तो आप टॉवल यूज करके यहीं पे होल्ड करें, बट स्ट्रेचिंग के दौरान ध्यान रखिए कि ये ला के और एक सस्टेन एरिए में 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करें, फिर इसको छोड़ दें, फिर इसको 3 से 4 बार ही रिपीट करें, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्ट्रेचिंग, इसमें हमारा एक्चुअली पीछे के पोस्टीरियर एरिए की स्ट्रेचिंग होती है और हमारी मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग होती है। सेम इसी तरह से हमें हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें कि आप नी को मोड़ेंगे और नी को अपने हाथ से स्टेबलाइज कर लेंगे और घुटने को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपको यहाँ पे खिंचाव फील होगा, 15 सेकेंड से 20 सेकेंड होल्ड करेंगे मिनिमम, फिर इसको डाउन करेंगे, 3 बार इसको रिपीट करना है। सेम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कम लोग अपने पैर को इधर साइड में कर पाते हैं, यदि साइड में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो पहले यहीं से स्टार्ट करें और इसको खींचे और इसको अपने शोल्डर की तरफ खींचे, अपोजिट शोल्डर की तरफ, यस लाइक दिस डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन में अगर न ले जाके इसका डायरेक्शन इधर को रखें तो यहाँ से आप इजीली इसको खींच सकते हैं। बट धीरे धीरे कोशिश करना है कि इस पैर को इस घुटने को पार कर ले और इस नी को अपने इस शोल्डर की तरफ लेके जाए। एक्यूरेट एक्सरसाइजेस ये हैं, बट जैसे आपकी मूवमेंट है उसी हिसाब से आप स्टार्ट करें। ऐसे करने पे आपको खिंचाव यहाँ पे महसूस होगा और इसको 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें और इसको 3 रिपीटेशन इधर से भी करें और सेम एक्सरसाइज अपोजिट लेग से भी करना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग। इसमें पैर को जितना आप ले जा सकते हैं दोनों ले जाइए, उसके बाद अपने हाथ से इसको स्ट्रेच करना है और उतना ही स्ट्रेच करना है जितना कि आप स्ट्रेच कर सकते हैं और 5 सेकेंड जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें और इसको 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं, 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें फिर नॉर्मल कर दें और इसको भी 3 से 4 रिपीटेशन करें। इसके अलावा दोस्तों एक और एक्सरसाइज है जो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो हिप ज्वाइंट का पेन होता है ना, सबसे ज्यादा ग्रोन के एरिए में होता है या फिर ग्रोन के अलावा हमारे नी के एरिए में होता है, तो ये क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग के दौरान सीधा खड़ा हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये आपका जो हिप है और नी है ये एक में अलाइन रहे। पीछे से हाथ से पकड़ के आप इसको पीछे की तरफ खींचेंगे घुटने को। जब भी आपको पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप टॉवेल का हेल्प ले सकते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग दिस स्ट्रेचिंग आपका दोनों पैर बराबर रहे, आपके घुटने बराबर रहे, आपका घुटना पीछे या आगे नहीं होना चाहिए जिसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, और इसको 15 से 20 सेकेंड मिनिमम होल्ड करें और उसके बाद से इसको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें दोनों पैरों से। दोस्तों ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं जो दिखें तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है और अपने नियर बाय किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट जो हमारे होते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ उनको दिखाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो आपके ग्रोन एरिए में, जो कि ये हिप का जो ग्रोन एरिया बोलते हैं, ये जो अंदर हिप ज्वाइंट का एरिया है, इस एरिया में यदि पेन हो रहा है तो यदि सीवियर पेन हो रहा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि रेडनेस है इस एरिया में या रैसेस हैं तो भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। यदि आपको लो ग्रेड फीवर आ रहा है, हल्का हल्का फीवरिश बना हुआ है, तो भी आपको नहीं करना है। और यदि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्माहट लग रही है, स्वेलिंग जैसी फील हो रही है और तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली पहले हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें या फिर किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, एग्जामिन करने के बाद ही एक्सरसाइज करें। दोस्तों यदि एक्सरसाइज करने के बाद आपको पेन होता है तो आप आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है
कि ज्वाइंट में स्टिफनेस, हिप ज्वाइंट की स्टिफनेस की वजह से पेशेंट का चाल बदल जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेट ट्रेनिंग की भी बात करेंगे, बिकॉज इसका भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। यदि आप प्रॉपर गेट ट्रेनिंग करते हैं तो भी आपका पेन कम होने लगता है और स्टिफनेस भी कम हो जाता है। तो अच्छा गेट ट्रेनिंग की जरूर कोशिश करें। और एक्सरसाइजेस में हम लोग हिप ज्वाइंट पेन में यदि आर्थराइटिस या प्रॉब्लम है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टेयर क्लाइंबिंग आप ना करें, ज़्यादा देर तक खड़ा ना हो, स्क्वेट्स ना करें, इसके अलावा ज़्यादा देर वॉकिंग ना करें। वॉकिंग के जगह पे हम लोग स्टेशनरी साइकिल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरी डाल सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।